Hi Rudy Alanans, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear Alanans, as you know that we are now this month September is already going to finish. There are 2 days hardly remaining in this month or aapke board exam jo hai Feb mein start hone wale hain, so you must be preparing well. Today's video is dedicated to class 12th writing section. आज हम देखेंगे job application letter writing. आप इससे बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि job application letter लिखा कैसे जाए और क्या pattern है, क्या चीज़ें हैं, तो ये सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे इस सेशन में. डियर एज आई टोल्ड यू दैट इन यो इन क्लास ट्वेल्थ राइटिंग सेक्शन इज मोर टारगेटेड गो सी बी एस ई टारगेट सी बी टी जस्ट वॉन्ट टू टेक यू दैट यू आर कैपेबल टू राइट यू यू आर कैपेबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज विच इज इन योर माइंड ऑन ए गिवन टॉपिक और नॉट. मेन टारगेट यही है सी बी एस ई का और वो चेक करने के लिए सारे क्वेश्चन लाइक जॉब एप्लीकेशन लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन्विटेशन लेटर राइटिंग्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है क्लास ट्वेल्थ सी बी एस ई में, राइट. तो चलिए आज देखते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या है, तरीका कैसे लिखना है, और आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एक्सपर्ट इन राइटिंग जॉब एप्लीकेशन लेटर. सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो डियर लर्नर, आई होप दैट यस, ये है आपका राइटिंग टास्क जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, वो है टास्क नंबर 2. ये है जॉब एप्लीकेशन लेटर. मैं डायरेक्ट मैं इधर उधर की बातें करने से अच्छा मैं सीधा हम डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे हमें अटेंड करना है. देखो जो फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मेट है वो सेम है. जॉब एप्लीकेशन लेटर का भी फॉर्मेट वही है जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, केवल हमारा थोड़ा लिखने का जो बॉडी बॉडी पार्ट है, और इससे हमें क्या करना होगा, हमें एक सी वी या बायोडाटा भी इंक्लूड करना होगा, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा. चलिए पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं. देखिए क्या पहला क्वेश्चन, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि फॉर्मेटिंग क्या है, लिखने का तरीका क्या है, और कैसे हम इसमें सीवी को कैसे ऐड करेंगे, सीवी कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे. आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सीवी क्या हम उसी पेज पे बनाएं. आप फ्री हैं, आप चाहें तो एक पेज पे आप अपनी एप्लीकेशन को लिखें और दूसरे पेज पर आप सीवी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, राइट. ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये मार्क्स पूरे मिलेंगे, इसके लिए आप पूरी तरह निश्चित रहें, बस आपको सही फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना है और सही तरीके से लिखना है. चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ. इंडियन इंश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली हैज गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम. मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी है न्यू दिल्ली में जो लोकेटेड है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है हिंदुस्तान टाइम, ये न्यूज़पेपर का नाम है, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग. मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकली हुई है इस कंपनी में, इंश्योरेंस में, राइट. ग्रूम अ मैनेजर फॉर द कंपनी, ठीक है, फॉर देयर कंपनी अप्लाई फॉर द सेम गिविंग योर डिटेल बायोडाटा. तो क्या कह रहा है, बायोडाटा या करिकुलम विटा, दोनों चीज़ें सेम होती हैं. इन्वाइट ऑल नेसेसरी डिटेल, यू आर अमन आदिति 54A गुलाब रोड लखनऊ, ठीक है. आपका एड्रेस दिया हुआ है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें दी हुई है. आप ऐसे बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी कंपनी का नाम कौन सा है, क्या चीज़ है. तो देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है, ये इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. कहाँ से न्यूज आपको मिल रही है ऐड के बारे में, जो वैकेंसी के बारे में, वो कहाँ से पता चल रहा है, द हिंदुस्तान न्यूज टाइम से. अब ये यहाँ पे दिया है तो इसको अपनी बॉडी पार्ट में आप मेंशन करेंगे. पोस्ट क्या है, मैनेजर की पोस्ट है. आपका नाम क्या है, आपका नाम है अमन और अदिति और आपका एड्रेस है ये, ठीक है, इतना क्लियर. नाउ माई डियर, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, ये बाई लैंग्वेज होने वाली है वीडियो, ताकि आपको ताकि अच्छी तरह से. सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे. देखिए यहाँ पर लिखा है 58A गुलाब रोड लखनऊ, ठीक है. आपने अपना एड्रेस लिखा जैसे आप बाकी फॉर्मल लेटर में लिखते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट, ये एक्स एक्स नहीं लिखना है, 2023 लिखना है, ये ईयर यहाँ पर मैंसन करना है, राइट. यहाँ पर लिखना है 2023. आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, कहीं किताब में पढ़ दो तो एग्ज़ाम में जाके वही छाप के चले जाते हो, ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे ईयर लिखा जाएगा, ये डबल एक्स लिखा है, ब्लैंक है, ताकि आप जो भी जब भी आप किताब को पढ़ें आप उसको यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं. तो आपको यहाँ पे लिखना है 10th March 2023, अकॉर्डिंग टू डेट, जिस दिन आप आंसर लिख रहे हैं पेपर में उस डेट आप लिख सकते हैं. उसके बाद क्या लिखेंगे, द पर्सनल मैनेजर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली. अब ये आपको कहाँ से मिला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैनेजर ऑफ देयर कंपनी, ठीक है, लिखा है ना मैनेजर, तो आप लिखेंगे द पर्सनल मैनेजर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली, लिख लिया. और देखिए यहाँ पे एक लाइन का गैप है, मैंने आपको ये बातें बता दूँ ताकि आप लोग इसको रिकॉल कर सकें. यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट हो गया, उसके बाद एक लाइन गैप है, फिर डेट आपने लिखा, दूसरी पॉइंट, फिर तीसरी पॉइंट क्या है, रिसीवर पोस्ट एंड एड्रेस. और रिसीवर पोस्ट क्या है, पर्सनल मैनेजर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली, ठीक है.
उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और देखिए सारी की चीज़ें वर्टिकली पैरेलल हैं, राइट। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनर, सर या फिर रिस्पेक्टेड सर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे चलिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। चलिए रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये क्यों लिख रहे हैं बता रहा हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट से ही आपको पता चला है तो आप लिखेंगे कि भाई मुझे पता कहाँ से चला, तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम, ये न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में दिया डेटेड। अब कोई डेट वहाँ पे नहीं लिखा है तो आप कोई भी डेट मेंशन कर दीजिए पीछे की, जैसे आप आज लिख रहे हैं तो एक दिन पहले या दो दिन पहले की डेट डाल दीजिए, 5th March 2023 फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू बी ग्रूम्ड एज अ मैनेजर फॉर योर कंपनी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है, बाद में इसको मैनेजर बना दिया जाएगा। आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर द सेट पोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो जिस पोस्ट के लिए आपने ऐड दिया है उसके लिए मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या फिर मैं अपना एप्लीकेशन देना चाहता हूँ। देखिए माई बायोडाटा इज इनक्लोज फॉर योर पेरिजल, पेरिजल का मतलब होता है रीडिंग, ठीक है, एंड कंसिडरेशन। इफ़ आई एम फाउंड सुटेबल आई कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट एनी टाइम सुटेबल टू यू, मतलब जब भी आप चाहें, अगर आपको लगे कि मैं आपकी पोस्ट के लिए फिट हूँ तो आप मुझे जब चाहें तब मैं इंटरव्यू देने के लिए आ सकता हूँ। इन केस ऑफ सेलेक्शन आई एश्योर यू माई कोऑपरेशन एंड डिवोशन इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटी, और अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से निभाऊंगा, राइट। समझ में आई बात, तो ये बॉडी पार्ट में आप लिखेंगे। उसके बाद योर्स फेथफुली अदिति, फिर इनक्लोज बायोडाटा, ये इनक्लोज लिखा ENCL, ठीक है, कोलन लगाएंगे, उसके बाद बायोडाटा, आपको बायोडाटा अपना ऐड करना पड़ेगा। आई होप कि ये बात समझ में आई कि कैसे आप बॉडी सेक्शन लिखेंगे, कैसे मैसेज लिखेंगे। अब चलिए देखिए कि बायोडाटा आप कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे बायोडाटा लिखेंगे, बायोडाटा, उसके बाद अपना नाम जो क्वेश्चन में दिखा दिया आदिति, ठीक है। उसके बाद फादर नेम नहीं है, आप फेक कोई भी फादर का नाम लिख दीजिए। एड्रेस जो दिया है क्वेश्चन में, जो चीज़ें नहीं है उसको इमेजिन करिए और लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप जो भी चाहें, यहाँ पर लिख क्या लिखा, BCom न्यू दिल्ली से किया, MBA फ्रॉम सिम्बोसिस पुणे से किया है, ठीक, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम NIIT लखनऊ से किया है, 1 ईयर का डिप्लोमा। एक्सपीरियंस भी आप मेंशन कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, जो चाहे आप मेंशन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आफ्टर दैट प्रेजेंट एम्प्लॉय, हाँ आप ये दिखाएंगे क्या क्या आप कहीं काम कर रहे हैं, आप दिखा सकते दीजिए। प्रेजेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है कि हाँ मैं कहीं काम कर रहा हूँ। वर्किंग विद द ग्लोबल टेली सिस्टम लखनऊ। मैटर स्टेटस अनमैरिड। पर्सनल डिटेल एज क्या है आप मेंशन कर सकते हैं। हाइट वेट आपका क्या है। मदर टंग हिंदी इंग्लिश फ्रेंच जो भी आपकी भाषा है। लैंग्वेज नोन यहाँ पे देखिए इंग्लिश पंजाबी और फ्रेंच लिखा है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। हॉबीज आपकी क्या है, रीडिंग लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड पेंटिंग, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस और ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो अपने बायोडाटा में इतनी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने बायोडाटा में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना कैसे है और उसमें उसकी बॉडी पार्ट को कैसे लिखना है, उसके बाद उसकी बायोडाटा को कैसे लिखना है। क्लियर, आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू माय डियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक एंड गुड बाय।